प्रिय बच्चों और राज्य के विभिन्न विद्यालयों, मदरसों, संस्कृत विद्यालयों और अन्य दूसरे विद्यालयों के शिक्षक साथी, आप कई शनिवार से सुरक्षित शनिवार का एक कार्यक्रम देख रहे हैं। इसका कारण यही है कि हम और आप सीधे सीधे नहीं मिल पा रहे हैं इस कोरोना के महामारी के वजह से। इसलिए इस तकनीक को टेलीविज़न के माध्यम से, डिजिटल युग जो आ गया है उसके आधार पर आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आज 4 जुलाई है और हर वर्ष हम लोग 4 जुलाई को राज्य के सभी विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार के आधार पर विद्यालय सुरक्षा दिवस मनाते आ रहे हैं। और आज से ही एक पखवाड़े का यानी 15 दिनों का सुरक्षित शनिवार के आधार पर विद्यालय सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जाता रहा है। यह कई वर्षों से हो रहा है, परंतु दुर्भाग्य है कि कोरोना महामारी ने यह स्थिति उत्पन्न कर दी कि हम विद्यालयों में चूँकि जा नहीं रहे हैं, विद्यालय खुले नहीं हैं, इसलिए हम लोग आज के दिन इसी डिजिटल मोड से, इस टेलीविज़न के माध्यम से इस दिवस को मना रहे हैं और इस पखवाड़े का शुभारंभ कर रहे हैं। यह दिवस और पखवाड़ा मनाने का उद्देश्य क्या था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका उद्देश्य यह था कि जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो देखा जाता है कि धीरे धीरे समय के अंतराल के साथ उसमें जोश कम होता जाता है। इसलिए यह तय किया गया था सरकार के स्तर पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर, कि एक अभियान के बतौर हम सुरक्षित शनिवार को लागू करें। और इसीलिए 4 जुलाई के तारीख को, जो एक तरीके से विद्यालयों के दृष्टिकोण से हम लोग ऐतिहासिक तारीख मानते हैं, कि इस 4 जुलाई को निश्चित किया गया था कि हम विद्यालय सुरक्षा दिवस मनाएंगे और हर विद्यालय में विभिन्न आपदाओं से बचने के लिए विविध तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। और आज से ही 15 दिनों तक विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न आपदाओं से बचने के लिए कार्यक्रम किए जाएंगे। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमारे बच्चे, हमारे शिक्षक जो विद्यालयों में आते हैं, सुरक्षित रहेंगे, अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे, तो निश्चित तौर से पूरे समाज में सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बनेगा, जिसको हम कहते हैं कल्चर ऑफ रिजिलियंस डेवलप होगा, यानी सुरक्षा की संस्कृति विकसित होगी और आपके माध्यम से समाज में यह संस्कृति जाएगी और हम सभी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए आज के दिन मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। आज आपको बाढ़ के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि मानसून का आगमन हो गया है, आसमान से बिजली भी गिर रही है। मैं समझता हूँ आपको बिजली गिरने से बचाव के बारे में पहले बताया गया है। बाढ़ आ रही है, बाढ़ में नाव दुर्घटनाएं भी होती हैं, डूबने से भी मृत्यु होती है। इसलिए आप बाढ़ के ख़तरे को पहचानेंगे और बाढ़ आने की दशा में उन खतरों से बचने के लिए आपको जो कुछ बताया जाएगा उसे आप सीखेंगे। मैं आप सभी लोगों को सुरक्षित बिहार में ये जो शनिवार का कार्यक्रम किया जा रहा है उसके अवसर पर आज जो विद्यालय सुरक्षा दिवस उसकी बधाई देता हूँ, जो पखवाड़ा शुरू हो रहा है उसका उसके लिए बधाई देता हूँ और आप सभी के सुरक्षा की, आपदाओं से सुरक्षा की कामना करता हूँ। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? अभी आपको घर पर ही रहना है और कोरोना को हराना है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात के मौसम में कभी कभी ज़्यादा बारिश होने के कारण जल जमाव चारों तरफ हो जाता है और नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगता है, जिससे बाढ़ की संभावना हमेशा बनी रहती है। आज मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार में हम बाढ़ और उससे बचाव के बारे में जानेंगे। बच्चों, आज का सत्र शुरू करने से पहले हम जानना चाहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि अचानक अगर आपके घर में बाढ़ का पानी आ जाए तो आप घर से निकलकर कहां और किस स्थान पर जाएंगे और अपने साथ कौन कौन सी सामग्री लेकर जाएंगे? बाढ़ के दौरान इस स्थिति से निपटने के लिए आप अपने परिवार के साथ मिलकर परिवार सुरक्षा किट कैसे तैयार करते हैं? और अगर आपको बाढ़ के दौरान राहत केंद्र में रहना पड़े तो आप राहत केंद्र में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए
कौन कौन सी सावधानियां बरतेंगे? बाढ़ के दौरान आप घायल हो जाते हैं या आपको चोट लग जाती है तो उसका प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे? तो बच्चों तैयार होकर बैठें और बहुत ध्यान से सुनें और आज के एपिसोड को देखें, क्योंकि आज के एपिसोड के अंत तक आपको इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो चलें, चलिए आज के सत्र का प्रारंभ करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ हरिया बोल। हाँ प्रधान जी, सुना है लखन और किशन कल रात शहर से गांव आए हैं, देखिए कहीं कोरोना ना फैला दे गांव में। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गया है क्या तुम्हारा है? जो भी शहर से आएगा उसको कोरोना ही होगा, ये कौन बोला? अफवाह मत फैलाओ और सुन लो, लखन और किशन दोनों गांव और अपने परिवार की भलाई के लिए घर में ही 14 दिन क्वारंटीन में है, समझे? यहाँ आते ही सरकार की पूरी जाँच से गुजरने के बाद आए हैं गाँव, उनके बारे में कोई ऐसा वैसा बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझे कि नहीं? बिल्कुल, दूसरे राज्यों से आने वाले हर व्यक्ति की जांच हो रही है और उन्हें सरकार द्वारा बताए गए निर्देश का पालन करने को कहा गया है। ऐसे में उनके साथ कोई भेदभाव करना बिल्कुल गलत है। अपनों का रखेंगे ध्यान, कोरोना से रहेंगे सावधान। अधिक जानकारी के लिए 1800-180-5145 पर या 011-239-7804 अथवा टोल फ्री। बच्चों आज सुरक्षित शनिवार के इस एपिसोड में बाढ़ से बचाव के लिए क्या करें और क्या ना करें के बारे में बताया जाएगा। इसे ध्यान से सुने और अपने व्यवहार में लाएं। बाढ़ आने के पूर्व क्या तैयारी करें? बाढ़ की जानकारी लें, अपने गांव में अब तक आई बाढ़ की जानकारी प्राप्त करें और बड़ों से उस समय के बाढ़ की परिस्थिति की चर्चा करें और उसे समझने की कोशिश करें। सुरक्षित स्थान चिन्हित कर वहां तक पहुंचने के रास्ते की जानकारी रखें। सूखे भोजन का प्रबंध कर लें, जैसे सत्तू, चूड़ा, गुड़, आटा, नमक, चीनी, भूंजा, इन सामग्रियों को प्लास्टिक की बोरी या बैग में अच्छे से बंद कर रखें, जिससे पानी से यह खराब ना हो सके। आपातकालीन किट तैयार रखें। इस किट में टॉर्च, बैटरी, माचिस, मोमबत्ती, जरूरी दवाइयां, डेटॉल, रुई, ORS का पैकेट जरूर रखें। परिवार सुरक्षा किट तैयार रखें। इसमें तारपोलिन, प्लास्टिक की रस्सी, टॉर्च, मोमबत्ती, माचिस, बैटरी, छाता, प्लास्टिक सीट, सूखे भोजन सामग्री रखें। कोरोना किट तैयार रखें। इसमें प्रति व्यक्ति 2 मास्क, सूती कपड़े का बना जिसे धोकर पुनः उपयोग किया जा सके, साबुन, लिक्विड सोप, सैनिटाइजर जरूर रखें। बारिश से पहले अपने माँ पिताजी से बोलकर एक रेडियो, बैटरी तथा प्राथमिक उपचार किट की व्यवस्था कर लें। जरूरी कागजात संभाल कर रखें, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ATM कार्ड, प्रमाण पत्र, घर के कागजात एवं अन्य जरूरी कागजात हो सकते हैं। बच्चों आपको तैरना भी सीखना है और डूबने से बचने हेतु अभ्यास करें, खासकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के बच्चे। सभी घोषणाएं और चेतावनी को ध्यान से सुनें तथा दूसरों को भी बताएं। बाढ़ की चेतावनी को रेडियो पर समय समय पर ध्यान से सुनते रहें। बच्चों अब बाढ़ के दौरान आप क्या करें? बाढ़ के दौरान पूरे घर की बिजली बंद कर दें, ऊंचे स्थान पर चले जाएं, बिजली के तारों एवं खंभों से दूर रहें, बाढ़ एवं राहत कार्यों में सहायता करें, पानी उबाल कर पिएं, केवल सुरक्षित पानी का ही प्रयोग करें, चेतावनी को ध्यान से सुनें और दूसरों को भी बताएं, बाढ़ के पानी में ना खेलें, बाढ़ के पानी में ना जाएं, दूषित भोजन ना खाएं और संक्रमित पानी ना पिएं, इसे आप बीमार हो सकते हैं। सबसे जरूरी, खुले में शौच ना करें, इससे बीमारियां फैलती हैं। अफवाह पर विश्वास ना करें और ना ही अफवाह फैलाएं। अब बाढ़ के बाद क्या करें? बच्चों अपने घर की स्थिति का आकलन करें, क्षतिग्रस्त मकानों से दूर रहें, व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें, विद्यालय खुलने के बाद उसकी भी साफ सफाई करें, संक्रमित प्रदूषित भोज्य पदार्थ को फेंक दें, गंदे पानी के निकास हेतु नालों को साफ रखें,
बाढ़ के बाद अपने घर को कीटाणु मुक्त करें, साफ और सुरक्षित पानी का ही सेवन करें। इन सारी जानकारियों को अपनाएं और खुद को एवं अपने परिवार समुदाय को सुरक्षित रखने की तैयारी करें। नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत प्यार आप सबको। आज इस कार्यक्रम में मैं प्रमिला कुमारी और हमारे साथ अपराजिता मैडम, आज आप लोग को बाढ़ के दौरान जो भी इस्तेमाल में आने वाले परिवार सुरक्षा किट हैं उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम आप लोग को जानकारी देंगे। तो बच्चों चलिए हम शुरू करते हैं कि किस प्रकार से बाढ़ के दौरान हमें कौन कौन से किटों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि जब बाढ़ आती है तो उस समय हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और बहुत सी परेशानियों को हमें झेलना पड़ता है और इस स्थिति में हमें कहीं दूसरे ऊंचे स्थान पर जाकर रहना पड़ता है, जिसे हम रिलीफ कैंप भी कहते हैं। और उस रिलीफ कैंप में जाने से पहले और बाढ़ आने के पूर्व हमें कौन से किट का इस्तेमाल करना चाहिए, मैं आपको बताने जा रही हूँ। बच्चों जैसा कि मैंने बताया कि परिवार सुरक्षा किट में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो आप सबके सामने हैं, तो सबसे पहले हमें परिवार सुरक्षा किट में मोमबत्ती का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं माचिस है मेरे हाथ में, एक टॉर्च होनी चाहिए, ये थोड़ा सा मॉडिफाइड टॉर्च है जिसको आप जला के कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है एक रस्सी है जिसका आप सुरक्षा किट में इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में छाता है, और उसके साथ आपका एक ये प्लास्टिक का बोरा भी है जो यहाँ आप देख रहे हैं। इन सभी चीज़ों को आप इस प्लास्टिक के बोरा में डाल के बांध के रख सकते हैं, क्योंकि रिलीफ फंड में जाने कैंप में जाने के समय आपको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त बिजली नहीं रहती है। साथ में जब आप बाढ़ के दौरान कभी नदी पार कर रहे होते हैं तो उस समय ज़्यादा खतरा होता है, तो आपके साथ एक लाठी या डंडे की आवश्यकता बहुत ज़रूरी हो जाती है, इसलिए आप इसे अपने साथ ज़रूर रखें। बच्चों आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट एड किट है, जिसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं एंटीसेप्टिक लिक्विड है, रुई है, बैंडेज है, ये कुछ दवाइयाँ हैं, ORS का घोल है जो कि आपके लिए इस बाढ़ के दौरान काफ़ी आवश्यक हो जाती हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम है, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जैसे बुखार लगना, सर्दी खांसी होना, उस वक्त ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इस समय आपको इन सभी चीज़ों को एक अच्छे से डिब्बे में पॉलिथीन में रैप करके अपने रिलीफ कैंप में रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया परिवार सुरक्षा किट और ये फर्स्ट एड किट के बारे में, और अब हमें इन सभी चीज़ों को एक बहुत अच्छे व्यवस्थित ढंग से इस तरह हमें सभी चीज़ों को इसमें डाल लेना है। खाने के सामान की किट भी तैयार करेंगे, जिसमें सूखे भोजन सामग्री को रखेंगे, जैसे भुंजा, सत्तू, गुड़, नमक, चीनी, आटा, सूखे भोजन सामग्री उसमें हम शामिल करेंगे, क्योंकि इन भोजन को हम जब तक राहत सामग्री ना पहुँचे हम इसका उपयोग तब तक कर सकते हैं। और इस दौरान आप इसको इस सारे सामग्री को एक प्लास्टिक के बोरे में डालकर
बंद करके रखेंगे जिससे इसमें पानी ना जा सके। आप देख रहे हैं कि इन सभी चीज़ों को हम प्लास्टिक के बोरे में रखेंगे और उसके बाद इसे हम पुनः उसी बोरे में डालेंगे जिसमें अन्य सामानों को हमने रखा है। बच्चों, जैसा कि आपको अभी बताया गया कि परिवार सुरक्षा किट कैसे तैयार करेंगे और उसे एक बोरी में डालकर कैसे रखेंगे, उसके साथ ही ये ज़रूरी है कि आप अपने जितने भी ज़रूरी कागजात हैं उसका भी एक किट बनाएं। ज़रूरी कागजातों का किट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक प्लास्टिक का फोल्डर लेंगे। उस फोल्डर में हमें अपने आधार कार्ड, अपने वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या जितने भी ज़मीन के कागजात हों या सर्टिफिकेट हों या और अन्य जो ज़रूरी कागजात होते हैं उन सभी को हम एक प्लास्टिक के फोल्डर में सुरक्षित रख लेंगे। हम उसे इस प्रकार रखेंगे कि उसमें पानी का अंश ना जाए और इस फोल्डर को, इस ज़रूरी कागजात किट को तैयार करके हम उसी प्लास्टिक के बोरे में जिसमें परिवार सुरक्षा किट रखा है हमने, उसमें इसको सुरक्षित रखेंगे। बच्चों, बाढ़ के दौरान आपको राहत केंद्र जाना पड़ सकता है। अगर ऐसी स्थिति बने तो आपको वहाँ कोरोना वायरस के संक्रमण से सावधानियाँ बरतनी होगी। उसके लिए कोरोना किट भी तैयार करना होगा जिसमें दो सूती कपड़े के बने मास्क, प्रति व्यक्ति दो मास्क जरूरी हैं जिसे हम धोकर पुनः उपयोग के लायक बना सकते हैं। साथ ही हाथ धोने के लिए आप साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं या लिक्विड सोप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जहां पानी की कमी हो हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे और ग्लव्स भी उस किट में रखना जरूरी है। इस प्रकार हम देखेंगे कि सभी सामग्रियों के साथ साथ कोरोना सुरक्षा किट भी बहुत ही आवश्यक है। ये हमें कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाले खतरों से बचा सकता है। बच्चों, बाढ़ के दौरान आप सभी जानते हैं कि जितने भी जल स्तर हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, जो हमारे चापाकल हैं वो भी जलमग्न हो जाते हैं, तो उस स्थिति में हमें शुद्ध पेयजल की कमी हो जाती है और हम पानी का शुद्धिकरण कैसे करें इसमें हम आपको बताएंगे। ये आपके सामने हाइजीन किट है। इस स्थिति में आप हमेशा, क्योंकि शुद्ध पानी पीना बहुत आवश्यक है, तो इसके लिए आप हमेशा अपने साथ क्लोरीन की टैबलेट, जिसे हम क्लोरीन की टैबलेट या हैलोजिन की टैबलेट, आपको अपने साथ रखना अति आवश्यक है। मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, ये गोली है हैलोजिन की गोली। इसको आपको किस तरह से प्रयोग में लाना है वो आप ध्यान से देखिएगा। एक गोली का इस्तेमाल 1 लीटर पानी में होगा और ये गोली जो है इसमें आपको 1 लीटर पानी में डाल देना है और कुछ मिनटों तक, कुछ देरों तक छोड़ देना है। उसके बाद इसे दूसरे बर्तन में छान कर उड़ेल कर पीने लायक ये पानी बन जाता है। उसके बाद आप इसे आराम से पी सकते हैं। तो इसे हम हाइजीन किट कहेंगे, जो कि शुद्ध पेयजल का स्रोत आपके लिए बन सकता है। मुझे उम्मीद है बच्चों, आज मेरे द्वारा और मैम के द्वारा बताए गए बाढ़ के पूर्व की तैयारियां किस प्रकार से हमें करनी चाहिए और कौन कौन से किट तैयार करके रखने चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आपने सीखा और आप अपने परिवार को भी बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, आप जानते हैं कि अभी कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बना हुआ है। बाढ़ के दौरान आप रिलीफ केंद्र में कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए क्या करें और क्या ना करें। रिलीफ कैंप में भी आपको सामाजिक दूरी बना कर रहना है। मास्क का प्रयोग करें। मास्क के प्रयोग को अपनी आदत में शामिल करना है। कोशिश करना है कि सूती कपड़े का बना मास्क प्रयोग करें जिसे धोकर दोबारा उपयोग में लाया जा सके। साबुन से हाथ धोते रहें। कुछ भी खाने के पहले, नाक मुंह छूने के पहले साबुन से हाथ जरूर धोएं। रिलीफ कैंप की साफ सफाई में मदद करें। जिस जगह आप रह रहे हैं आसपास साफ सफाई की आदत को अपनाएं।
इधर उधर ना खेलें। बाढ़ के बाद ज्यादातर जहरीले कीड़े सांप बिच्छू का भय बना रहता है, इसलिए इधर उधर ना खेलें। व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें। शरीर, दांत, कान, नाक, बाल की साफ सफाई एवं नाखून काट कर रखें। हमेशा अपने माँ पिताजी के साथ रहें, जिससे आपसी सहयोग बना रहता है। कोरोना किट को अपने साथ रखें और इसका उपयोग करें। जैसा कि आपने पहले भी देखा है, इसमें प्रति व्यक्ति 2 सूती कपड़े का बना मास्क, साबुन, लिक्विड सोप और सैनिटाइजर होना चाहिए। इन सभी सावधानियों को अपनाकर बहुत हद तक आप बाढ़ से होने वाले कुप्रभावों को कम कर सकते हैं। भाई वाह, सचमुच बरसात के दिनों में तो गांव के खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है। हम बाकी इस चांद पे ठनका का तो ग्रहण लगते रहता है, बाकी तुम दोनों मुर्गा क्यों बन गए भाई? अरे मुर्गा नहीं बाबूजी, ये ठनका यानी वज्रपात से बचने का उपाय है। मतलब? मतलब ये कि वज्रपात के समय आप लोग एक समूह में खड़े होने के बजाय अलग अलग दूर खड़े हो जाइएगा। और अगर खेतों में काम कर रहे हैं तो घबरा कर इधर उधर भागने के बजाय सूखे मेड़ पर चले जाइए और अपना पैर के नीचे सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या फिर सूखा पत्ता रख लीजिए। उसके बाद दोनों पैरों को आपस में सटा लेना है, फिर दोनों हाथों से कान को बंद कर लेना है, फिर सिर को नीचे की तरफ झुका लेना है। इससे तो अच्छा होता कि हम लोग दोनों कान बंद करके जमीन पर सूत जाते। जमीन पर तो सूतना ही नहीं है, ऊंचा गाछ, जलाशय, पोखर और टेलीफोन या बिजली के खंभा के नीचे भी खड़ा नहीं होना है, काहे कि बिजली को अपना तरफ आकर्षित करता है। और ये धातु वाले छाते की जगह लकड़ी के डंडे वाले छाते का इस्तेमाल कीजिए। और अगर वाहन में हैं तो सफर के दौरान वाहन में ही रहें और घर में बरामदा, खिड़की और दरवाजे से दूर रहें। बिजली के उपकरणों का उपयोग नहीं करना है और बिजली के उपकरणों को बिजली के संपर्क से हटा देना है। ठनका के मामले में मृत्यु का तत्कालिक कारण हृदयघात है, इसलिए अगर व्यक्ति के शरीर में विद्युत का प्रवाह न हो तो उसे तुरंत संजीवन क्रिया प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। पिछली बार बाढ़ में बहुत तबाही हुई थी, सारा सामान बह गया था और पशु भी बंधे रह गए थे। अम्मा, इस बार बाढ़ आ गई तो इस बार हम तैयार हैं। खबर मिलते ही टॉर्च, सूखा खाना, दवाइयाँ, पीने का साफ पानी, रस्सी, माचिस, जरूरी कागजात और पहचान पत्र लेकर किसी ऊंची जगह पर चले जाएंगे। तैयारी कर लो अम्मा, बाढ़ आने के पूरे संकेत हैं। सब लोग राफ्ट बना रहे हैं। क्षेत्र में बाढ़ के आसार बढ़ गए हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें। अनाज और बीज ऊंचाई पर रख दें। अभी रखता हूँ। रबर की बड़ी ट्यूब, प्लास्टिक की रस्सी अपने पास रख लें। तैयार है। अपनी सेफ्टी किट और जरूरी कागजात संभाल कर रख लें। हाँ, सूखा खाना, पानी, रस्सी, माचिस, दवाई, टॉर्च और कागजात। बचने के लिए सुरक्षित ऊंचा स्थान पहले से चुन लें। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की मदद करें। मैं तो तैयार हूँ, आप भी तैयार रहें। अरे अरे, बाढ़ का पानी बढ़ रहा है। पीने का साफ पानी रख लो, क्लोरीन की गोलियां और दवाइयां भी। राफ्ट निकालो। अरे सेफ्टी किट साथ रख लेना। बंधे पशुओं को खोल दो। जब बाढ़ आए तो ध्यान रखे, जल्दी से अपना सेफ्टी किट साथ लेकर किसी ऊंचे सुरक्षित स्थान पर चले जाएं तुरंत। बाढ़ से बचने के लिए गांव और घरों में आसानी से मिलने वाले सामान को भी प्रयोग में लाया जा सकता है। आज NDRF के जवान हम सबको राफ्ट बनाना सिखाएंगे। बांस के राफ्ट बनाने के लिए एक मजबूत रस्सी और कुछ बांस लेकर ऐसे बांधिए। कुछ केले के पेड़ के तनों से केले के राफ्ट बनते हैं। इसी तरह ट्यूब, जेरिकन और नारियल की सहायता से राफ्ट बनाए जा सकते हैं। चलो अभ्यास करें। आपके हित में तत्पर NDMA। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में प्रतिवर्ष जून, जुलाई व अगस्त के महीने में बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है, फिर चाहे वो अत्यधिक वर्षा के कारण हो या फिर पड़ोसी राज्य उड़ीसा या पड़ोसी देश नेपाल में अत्यधिक वर्षा के कारण हो, यहाँ तक कि उत्तराखंड में भी वर्षा होने से बिहार में बाढ़ आने की संभावना हो जाती है। अतः जिन लोगों के घर नदी के किनारे हैं, उन लोगों को घरेलू सामान से राफ्ट बनाना आना बहुत आवश्यक है। ये उनके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, पिछले वर्ष चेन्नई या पटना के शहरी क्षेत्रों में आई बाढ़ के दौरान यदि लोग घरेलू राफ्ट से का इस्तेमाल करते तो उस दौरान वो घर से बाहर निकलकर
सामान लेने के लिए बाजार जा सकते थे और अपने वापस घरों में जा सकते थे। अभी हम आपको घरेलू सामान से विभिन्न तरीके के राफ्ट बनाना बताएंगे। सबसे पहले प्लास्टिक बोतल राफ्ट। कोल्ड ड्रिंक की प्लास्टिक की खाली बोतलों को राफ्ट के रूप में बनाया जा सकता है। 1.5 लीटर की 5 से 7 बोतलों को बेल्ट की तरह बनाकर एक वयस्क व्यक्ति आसानी से तैर सकता है। बोतलों को एक लाइन में एक दूसरे से बांधकर बेल्ट की तरह बनाया जाता है। ध्यान रहे कि बोतलों के ढक्कन को शरीर में बांधते समय ढक्कन को नीचे की तरफ रखा जाए और इस तरीके से प्लास्टिक की बोतल का राफ्ट तैयार हो जाता है। अभी आप लोग तसला राफ्ट बनाने का तरीका देखें। 2 मध्यम या बड़े आकार के तसले का मुंह प्लास्टिक सीट से अच्छी तरीके से ढक दिया जाता है और 2 छोटे बम्बू की सहायता से दोनों को आपस में बांध दिया जाता है। ऐसा करने पर तसला राफ्ट तैयार हो जाता है और एक वयस्क व्यक्ति आसानी से इसमें तैरकर सुरक्षित तरीके से सुरक्षित स्थान पर जा सकता है। अभी आप लोग नारियल राफ्ट बनाने का तरीका देखें। 4 से 6 सूखे नारियलों को आपस में एक लाइन में मजबूत डोरी से बांधने पर एक वयस्क व्यक्ति के लिए नारियल राफ्ट तैयार किया जा सकता है। ध्यान रहे कि नारियल के खोखले भाग में छेद ना किया जाए और नारियल को बेल्ट की तरह बांधकर आप एक राफ्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नारियल के सूखे हिस्से में छेद किया गया है। अभी आप देखें जरीकेन राफ्ट। प्लास्टिक के खाली डिब्बे या जरीकेन का मुंह अच्छी तरीके से बंद करके उनको आपस में बम्बू की सहायता से बांधकर राफ्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक जरीकेन को राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम 2 जरीकेन को इस्तेमाल करते हैं तो एक वयस्क व्यक्ति आसानी से उस पर तैर कर सुरक्षित जा सकता है। जैसे जैसे हम जरीकेन की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो उसमें 2 से 3 व्यक्ति आसानी से उसको पकड़ कर सुरक्षित स्थान पर जा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने 5 जरीकेन का राफ्ट बनाया हुआ है, इसमें 2 व्यक्ति सुरक्षित स्थान पर आसानी से जा सकते हैं। इसी तरह कुछ बम्बू को आपस में मजबूत रस्सी से बांध कर बम्बू राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जितना छोटा राफ्ट आपको दिखाया जा रहा है इसमें एक व्यक्ति आसानी से तैर कर सुरक्षित जा सकता है। बम्बुओं की संख्या बढ़ाने से और आकार बढ़ाने से उसमें एक से अधिक व्यक्ति तैर कर सुरक्षित स्थान पर जा सकते हैं। ट्यूब राफ्ट। इसी तरीके से मोटरसाइकिल या कार की ट्यूब में हवा भरकर राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्यूब के आकार पर निर्भर करता है कि कितने व्यक्ति उसमें सुरक्षित तैर सकते हैं। जितनी आपको मोटरसाइकिल की ट्यूब दिखाई जा रही है इसमें एक व्यक्ति आसानी से सुरक्षित तैर सकता है। यदि आप कार की ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 2 व्यक्ति आसानी से तैर कर सुरक्षित जगह पर जा सकते हैं। मोटे थर्मोकोल को मजबूत कपड़े में सिलकर घरेलू इस्तेमाल के लिए लाइफ जैकेट बनाया जा सकता है, जो कि पेट और पीठ दोनों तरफ बांध कर आसानी से तैर सकते हैं। जैसे कि आपको ये पहन के दिखा रहे हैं कि कैसे एक हिस्सा पीठ की तरफ रहेगा और एक हिस्सा पेट की तरफ रहेगा। इस तरीके से आपका घर में बनाया हुआ थर्मोकोल से बनाया हुआ लाइफ जैकेट तैयार है, जिससे कि आप सुरक्षित स्थान पर तैर कर जा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जवान के पास केले के तनों को बांध कर रखा हुआ है। आप 2 या 2 से अधिक केले के तनों को आपस में मजबूती से बांध कर केला राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें आसानी से सुविधाजनक ढंग से 1 से अधिक व्यक्ति तैर कर सुरक्षित जगह पर जा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति बच्चा गहरे पानी में डूब रहा है और एक तैराक उसकी तरफ उसको बचाने के लिए बढ़ रहा है। आप देखें कि किस तरीके से तैराक सुरक्षित तरीके से वैज्ञानिक तरीके से किस तरीके से जिससे कि बच्चे को बचाने के साथ साथ उसके जो पेट में पानी चला गया उसको भी निकाला जा सके, किस उस तरीके से कैसे बच्चे को पानी से बाहर लेके आता है। तैराक बच्चे को सुरक्षित तरीके से पकड़ता है, बाहर लाता है, पानी किनारे की तरफ लाता है और किनारे पर आने के बाद तैराक बच्चे को फायरमैन लिफ्ट के तरीके से कंधे पर रखता है। कंधे पर रखने का
तात्पर्य यह होता है कि बच्चा इस तरीके से कंधे का दबाव जो पेट पर पड़ता है, तो पेट में जो पानी गया हुआ तो बहुत सारा पानी वैसे ही निकल जाता है, और उसके बाद बचा खुचा पानी बाहर आकर प्राथमिक उपचार देते समय उसका निकाल दिया जाता है। अभी आप देखें किस तरीके से कंधे पर पोजिशन बनाई हुई है बच्चे को, और तैराक लाते टाइम थोड़ा पैर पर दबाव देते हुए चलता है जिससे कि जो उसके पेट में पानी है वो निकलता जाए, और अब इसको ले जाके प्राथमिक उपचार के लिए तैराक, जैसा कि आप देख रहे हैं कि डूबते व्यक्ति को जो पानी से निकाला गया उसके पेट में काफ़ी पानी चला गया था, उसको पैर में दबाव देते हुए लाया जा रहा है कि कंधे की मदद से, कंधे के दबाव से उसके पेट के पानी निकल जाए। उसके बाद भी कुछ पानी उसके पेट में रह जाता है, उसको किस तरीके से निकाला जाता है इस प्रदर्शन के द्वारा देखें। पहले पीड़ित व्यक्ति को रिकवरी पोजिशन में लिटाया जाता है, रिकवरी पोजीशन का तरीका देखिए, उसको किसी एक दाहिने या बाएं साइड की तरफ मोड़ के लिटाया जाता है और सर के नीचे हाथ उसका खुद का टिका दिया जाता है, साथ ही ये पोजीशन जैसे देख रहे हैं इसको रिकवरी पोजीशन बोलते हैं। इस पोजीशन से इसके बाद बचाव कर्मी उसके पेट पर दबाव डालता है, उसके पैर को मोड़कर उसकी छाती की तरफ ले जाता है जिससे कि उसके पेट पर दबाव पड़ता है, और इस तरीके से पेट से जो बचा हुआ पानी और है वो निकलता जाता है। जैसा आप देख रहे हैं कि मुंह साइड में किया हुआ है और पेट में दबाव दिया जा रहा है, इससे जो उसके पेट में और पानी बचा हुआ है वो, इसके बाद ही कुछ पानी रह जाता है तो उसके पैरों को पकड़ के ऊपर उठाया जाता है जिससे कि केवल उसका कंधा और सर जमीन पर रह जाता है, साथ ही पूरा दबाव उसके मुंह की तरफ पर बनता है तो जो पानी शेष बचा हुआ होता है और पेट में झटका दिया जाता है जिससे कि पेट में बचा हुआ जो भी पानी है वो पानी, अब इसके बाद बचाव कर्मी अपने निलिंग इस तरह की पोजीशन बनाता है कि उसको पीड़ित व्यक्ति को अपने घुटने के ऊपर ले लेता है और पीठ से दबाव देता है, पीठ पे ऊपर की तरफ को दबाव देता है जिससे कि जो भी थोड़ा बहुत पानी और बचा हुआ रह जाता है वो भी निकल जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि पहले भी उसके मुंह से पानी बचाव कर्मी ने निकाला है, अब इसके साथ ही बचाव कर्मी उसके पेट पे दबाव बना, दोनों हाथों से पेट पे दबाव बनाते हुए ऊपर की तरफ झटके से हल्के हल्के झटके देते हुए खींचता है, फिर से थोड़ा बहुत भी पानी अगर उसके पेट में है तो वो भी निकल जाए। इसके बाद भी अगर कोई संभावना पानी की रह जाती है तो देगची या तसला लेकर पीड़ित व्यक्ति को पेट के बल उस पर लिटा दिया जाता है और हल्के हल्के हाथ से उसके पीठ पर दबाव दिया जाता है, इससे पेट पर काफ़ी दबाव बनता है और जो पानी पेट में बचा शेष रह जाता है कुछ भी पानी उस भी वो भी पानी उसके मुंह के द्वारा निकल जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बचाव कर्मी दोनों हाथों की जकड़ बनाते उसके पेट में इस तरीके से दबाव दे रहे हैं कि अगर कुछ भी पानी शेष रह जाता है तो वो मुंह के द्वारा निकल जाए। अभी आप देख रहे हैं कि बाढ़ के दौरान या डूबने के बाद जब कोई व्यक्ति बेहोशी की हालत में या अर्धचेतनावस्था की हालत में इलाज के लिए लाया जाता है, तो इलाज देने से पूर्व जो प्रक्रिया हम अपनाते हैं उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। तो डूबे हुए व्यक्ति की प्राथमिक चिकित्सा कैसे करते हैं ये आप देखिए, इनकी पल्स चेक की जा रही है पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू, और उससे पहले इनका स्टेटोस्कोप के द्वारा इनके हृदय गति को नापा गया, ब्लड प्रेशर की मशीन से और पल्स ऑक्सीमीटर से इनका शरीर का ब्लड प्रेशर और पल्स नापने की कार्रवाई की जा रही है। बाढ़ से डूबने के बाद व्यक्ति को हम सामान्यतः सबसे पहले पेट से पानी निकालने की कार्रवाई करते हैं,
तदुपरांत व्यक्ति को अगर सांस लेने में और बाकी दूसरे एक्टिविटीज़ करने में, कार्रवाई करने में कोई दिक्कत नहीं है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अगर उसे सांस लेने में दिक्कत है या उसका पल्स धड़कन कम होता जा रहा है तब हमें उसे तुरंत प्राथमिक उपचार देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर व्यक्ति अपना चेतना खो रहा है तो उसे CPR की भी कार्रवाई करने की ज़रूरत पड़ सकती है। पल्स और धड़कन दोनों बंद होने के बाद कार्डियक पल्मोनरी रिसेसिटेशंस की कार्रवाई करनी पड़ती है। अगर पल्स और धड़कन या दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है, कायम है, व्यक्ति के शरीर में है, अवेलेबल है, तब हम उसे दूसरे मेथड्स के थ्रू उसकी प्राथमिक चिकित्सा करते हैं। यहाँ ब्लड प्रेशर्स और पल्स चेक किया, ये SDRF के कार्मिक ने चेक करके बताया कि ब्लड प्रेशर और पल्स नॉर्मल है। दिक्कत हो रहा है कुछ बात करने के दौरान? सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। अच्छा, डूबे हुए व्यक्ति ने कार्मिक को बताया कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसे ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है। ऑक्सीजन देने की प्रक्रिया कई तरीक़ों से की जाती है। ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा, नज़ल मास्क के द्वारा आप ऑक्सीजन लगाने की प्रक्रिया को देख रहे हैं। थोड़ा ये प्रक्रिया जटिल है और गांव में साधारण रूप से उपलब्ध नहीं होता है, ये कोई प्रशिक्षित कार्मिक ही कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा सांस देने की और भी प्रक्रियाएँ हैं। कृत्रिम सांस जो मुँह से मुँह के द्वारा या बैग वाल्व मास्क के द्वारा दी जाती है, तो बैग वाल्व मास्क और कृत्रिम मास्क का प्रदर्शन अभी आप देख लीजिए। ये ऑक्सीजन को हटा दीजिए और बैग वाल्व मास्क के द्वारा ऑक्सीजन कैसे दी जाती है इस प्रक्रिया को भी आप देख लीजिए। कृत्रिम सांस की प्रक्रिया अभी हम नहीं दिखा रहे हैं, कोविड के खतरे के कारण हम उसका प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, जो कि दूसरे एपिसोड में आपने CPR की पूरी कार्रवाई को देखा होगा। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि अगर डूबे हुए व्यक्ति का पल्स और धड़कन सामान्य हो और अगर सांस लेने में दिक्कत हो तो कृत्रिम सांस किस तरीकों से देते हैं। अभी आप यह देख रहे हैं कि बाढ़ के दौरान जब दीवार गिरने से या मकान गिरने से या पेड़ के गिरने से या किसी अन्य कारण से व्यक्ति के सर में चोट लगती है और सर में खून बह रहा होता है, उस समय में व्यक्ति को सर के खून को बांध कैसे स्टेबलाइज करते हैं, कैसे खून को रोकते हैं, इस प्रक्रिया को हम आपको यहाँ पर SDRF के कार्मिकों के द्वारा प्रदर्शन करके दिखाएंगे। प्राथमिक चिकित्सा के इस कार्रवाई में सबसे पहले हम बीटाडाइन जैसे सॉल्यूशन से उसके सर को साफ़ करते हैं। रुई के द्वारा या गौज के द्वारा उसे साफ़ किया जाता है। साफ़ करने से जो धूल कण या बैक्टीरिया उस जगह पे कटे फटे स्थान पर मौजूद होता है, जो बाद में घाव बन जाता है और फटे हुए जगह पे, कटे हुए जगह पर गंभीर जख्म के रूप में डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है, उसे रोकता है। हम बीटाडाइन सॉल्यूशन से साफ़ करने के बाद कटे हुए जगह पर ज़ोर से प्रेशर देने के लिए वहाँ बैंडेजिंग करते हैं। बैंडेजिंग करने के लिए अगर आपके पास दर्शाया हुआ गौज उपलब्ध नहीं है तो आप रुमाल, गमछा, मफलर या साड़ी का पल्लू, इस तरह का घरेलू संसाधन का उपयोग करते हुए सर को ज़ोर से दबाएंगे और इस तरह से बांधने के बाद आप सर, फटे हुए सर वाले व्यक्ति को सांत्वना भी देते रहेंगे। हमारा मकसद उनके खून को दबा करके रोकना है और इतना अधिक प्रेशर से रोकना है कि व्यक्ति 4 से 5 मिनट के बाद स्वतः ही खून व्यक्ति के शरीर में अपने आप रुक जाए। हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर में विटामिन K की मौजूद होती है, जिसकी मौजूदगी से ही शरीर से बाहर निकलते हुए खून को
जमने की टेंडेंसी होती है। जब हम प्रेशर से उसके सर में बांधते हैं तो विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन की मदद से थक्का बन करके खून को जमा देता है और खून स्वतः ही रुक जाता है। ये था बैंडेजी के द्वारा और प्रेशर के द्वारा सर को हुए चोट लगने के उपरांत खून को रोकने का तरीका। अभी आप देख रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति बाढ़ के दौरान या अन्य किसी समय में अचेत हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, उसके प्राथमिक उपचार के लिए उसके पल्स को, नब्ज को हम टटोलेंगे, उसको परखेंगे। नब्ज का परखने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति की पल्स अगर चल रही है और धड़कन अगर चल रही है, धड़कन पर भी हाथ रखेंगे, धड़कन और पल्स अगर चल रही है तो वो व्यक्ति जिंदा है और वो व्यक्ति को CPR देने की ज़रूरत नहीं है। अगर पल्स और धड़कन नहीं चल रही है तो उसे CPR देने की ज़रूरत पड़ती है। अभी आप देख रहे हैं कि उसके पाँव को 2 फीट तक उठाया है और उठाने के बाद में आसपास किसी भी चीज़ के सहारे से उसके पाँव को 2 फीट तक उठा के रखा जाता है। इस कारण से पाँव के तरफ का जो लोअर लिम्ब का रक्त है वो खून शरीर के अपर लिम्ब में चला जाता है। हम जानते हैं कि शरीर के मस्तिष्क में जब खून की कमी हो जाती है, किसी भी कारण से जब शरीर में खून कम मात्रा में मौजूद होता है तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। तो शरीर के ऊपरी पार्ट में, ब्रेन में, मस्तिष्क में खून को पहुंचाने के लिए यह एक प्राथमिक उपचार है। इस तरह आपने बच्चे कई बार स्कूलों में देखा होगा कि आपके जब आप पंक्तिबद्ध होकर खड़े होते हैं धूप में, जब प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो कई बच्चे बेहोश होकर गिर जाते हैं। बेहोशी के दौरान आपको इसी तरह से प्राथमिक उपचार देना है ताकि वो बच्चा तुरंत होश में आ जाए। फंस गए खेत में ऐसे मौसम में, आसमान में बादल देखो लगे गरजने। ए बच्चा पार्टी, ये का गुरू बने गा रहे हो? श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली, घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। ये तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे? सर छुपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो, कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ गुरू, बन जाओ गुरू। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों, बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। बच्चों नमस्ते, आज आपने बाढ़ से होने वाले खतरे एवं उससे बचाव के बारे में बहुत सीखा। आप में से बहुत सारे बच्चे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते होंगे, आपके लिए यह जानकारी बहुत ही उपयोगी रही होगी। तो आज हम देखते हैं कि कितना सीखा, इसके लिए हर बार की तरह हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। आपको करना क्या है, आपको उन प्रश्नों को ध्यान से सुनना है और उसके विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो बच्चों आप सब लोग कॉपी और कलम लेकर के तैयार हो जाएं आज के क्विज के लिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ और भी बात करनी है कि इस क्विज के बाद आपको एक गृह कार्य भी दिया जाएगा जिसको आपको करना है अपने आने वाले 7 दिनों के अंदर। तो चलिए अब हम सत्र की शुरुआत करें। आज के सत्र के सवाल आपके सामने। पहला सवाल, बाढ़ आने के पूर्व इनमें से किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए? आपके सामने विकल्प हैं, परिवार सुरक्षा किट तैयार करनी चाहिए, दूसरा समुदाय स्तर पर तैयारी करनी चाहिए, तीसरा कोरोना किट तैयार करनी चाहिए, चौथा उपरोक्त सभी तैयारी करनी चाहिए। तो बच्चों इसका सही जवाब है चौथा, उपरोक्त सभी तैयारी करनी चाहिए। इसके बारे में आज आपको डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से बताया भी गया है। दूसरा सवाल, परिवार सुरक्षा किट में निम्न में से कौन कौन सी सामग्रियां होनी चाहिए? तो आपके सामने विकल्प हैं, पहला सूखा भोजन, दूसरा माचिस एवं मोमबत्ती, तीसरा नमक एवं चीनी,
चौथा रस्सी एवं तारपोलिन सीट और पांचवा उपरोक्त सभी सामग्रियां। तो बच्चों आज आपने देखा ना इन सब चीजों के बारे में बताया गया था, तो सही जवाब है उपरोक्त सभी सामग्रियां, मतलब किसी भी सुरक्षा किट में, परिवार सुरक्षा किट में सूखा भोजन, माचिस, मोमबत्ती, नमक, चीनी, रस्सी एवं तारपोलिन सीट का होना आवश्यक है। अब तीसरा सवाल, बाढ़ पूर्व तैयारी के संदर्भ में कोरोना किट बनाने में निम्न में से कौन कौन सी सामग्री आवश्यक है? आपके विकल्प हैं, पहला प्रति व्यक्ति कम से कम 2 मास्क, दूसरा सैनिटाइजर, तीसरा साबुन, चौथा डेटॉल और पांचवा उपरोक्त सभी। इसके बारे में भी आज आपको बताया गया, तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। चौथा सवाल, बाढ़ आने के उपरांत निम्न में से किस प्रकार की बीमारी होती है? आपके विकल्प हैं, पहला डायरिया, दूसरा टाइफाइड, तीसरा चर्म रोग, चौथा मलेरिया, पांचवा उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसके सही जवाब हैं पांचवा उपरोक्त सभी। बाढ़ के दौरान ये ऊपर में वर्णित सभी तरह की बीमारियां होने का खतरा हमेशा बरकरार रहता है। पांचवा सवाल, बाढ़ आने से निम्न में से किस प्रकार की क्षति होती है? आपके विकल्प हैं, पहला घर मकान ध्वस्त होना, दूसरा फसल की बर्बादी होना, तीसरा मानवीय क्षति होना, चौथा पशु पक्षियों की क्षति होना और पांचवा उपरोक्त सभी प्रकार की क्षति होना। तो बच्चों इसका सही जवाब है पांचवा उपरोक्त सभी प्रकार की क्षति होना। छठा सवाल, रिलीफ कैंप में कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए इनमें से कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? आपके विकल्प हैं, पहला मास्क का प्रयोग हमेशा करना है, दूसरा सामाजिक दूरी बनाकर रखना है, तीसरा कैंप से बाहर बेवजह नहीं घूमना है, चौथा व्यक्तिगत साफ सफाई पर ध्यान देते हुए बार बार साबुन से हाथ धोते रहना है और पांचवा उपरोक्त सभी। बच्चों आज आपको इसके बारे में बताया गया, अगर आप ध्यान दें तो इसका जवाब आसानी से आपको मिल जाएगा। तो सही जवाब है पांचवा उपरोक्त सभी। बच्चों आज हमने आपसे 6 सवाल पूछे, अब समय है गृह कार्य का। आज आपने बाढ़ एवं इससे बचाव के बारे में सीखा, तो अब आपको करना क्या? आपको करना यह है कि जो आज आपने सीखा उसे अपने माँ पिताजी, भाई बहन एवं अपने मित्रों तथा सहपाठियों को बताएं, साथ ही अपने परिवार के साथ मिलकर परिवार सुरक्षा किट एवं कोरोना किट तैयार करें। तो बच्चों आप सभी ने आज का गृह कार्य नोट कर लिया है, तो ठीक है, चलिए अब हम लोग फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक नए क्विज और एक नए गृह कार्य के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते। अरे तारा, तुम अपने हाथ धोए भी नहीं खा रही, तुमने कितनी सारी गंदी चीजें छुई हैं, और गंदे हाथों से क्या होता है मैंने बताया था ना। मैं तो भूल ही गई थी साली अप्पा। हाँ दोस्तों, कोरोना और दूसरे वायरस और कीटाणु हमारे शरीर में गंदे हाथों से आ सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने हाथ बार बार धोने चाहिए। और हाथ कैसे धोने चाहिए? साबुन और साफ पानी से। और जब जब तुम हाथ धोना ये गाना गाना। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना है, क्योंकि कोरोना है। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, हर बार कम से कम 40 सेकंड तक। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है। पानी का
का नल खोले, हाथों को भिगाए, नल को बंद करते, फिर साबुन लगाए, हथेलियों को रगड़े, फिर पीछे भी रगड़े, उंगलियों के बीच में कांटों को हथेली से, अंगूठे को रगड़े, नाखूनों को रगड़े, अब नल खोले, नल और हाथ धोले, नल को बंद करते और हाथों को सुखा ले, इससे हाथ भी साफ होगा और पानी भी बचेगा। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना है, क्योंकि कोरोना है। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना को भगाना है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गाना था तारा, बहुत अच्छा। थैंक यू अप्पा। अब बताओ कब कब हाथ धोना है तारा? मुझे याद है अप्पा। ओके। हाथों में खांसने या छींकने के बाद घर या बाहर की कोई गंदी चीज या सतह छूने के बाद, किसी को छूने से पहले और छूने के बाद, चेहरा नाक आँख छूने से पहले और बाद में, खाना खाने से पहले, टॉयलेट जाने के बाद, खेल कर आने के बाद, किसी बीमार व्यक्ति को छूने के बाद, बाहर से आने के बाद और बच्चे की पॉटी साफ करने के बाद। अरे वाह तारा, तुम्हें तो पूरा याद है। अच्छा, हाथ धोने के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए और क्या करना है वो भी याद है ना? हाँ पा, सबसे 1 मीटर की दूरी बनाकर रखना है और घर पर ही रहना है। अब मेरे साफ खुशबूदार हाथों से आप सबको नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आज आपने बाढ़ से बचाव के विभिन्न तरीकों के बारे में जाना और सीखा, साथ ही बाढ़ के पहले और बाढ़ के दौरान एवं बाढ़ के बाद आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी आज आपने जानकारी प्राप्त की। साथ ही SDRF टीम के द्वारा आप सभी को बाढ़ से बचने के विभिन्न तरीकों के बारे में बताया गया कि अगर बाढ़ के दौरान किसी कोई घायल हो जाता है या किसी को चोट लग जाती है तो उसका प्राथमिक उपचार किस प्रकार होना चाहिए। बाढ़ के संदर्भ में उसके बचाव के तरीकों के लिए आप सभी को एक वीडियो भी दिखाया गया जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और रोचक भी था। बच्चों, मुझे उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। बाढ़ के दौरान आपको अपनी सुरक्षा किस प्रकार करनी चाहिए या प्रशासन से किस प्रकार आप मदद ले सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपने आज जाना और सीखा। मुझे उम्मीद है बच्चों आज का ये कार्यक्रम आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आज आपने बहुत सी नई बातें सीखी, और मैं चाहती हूँ जो भी आपने सीखा वो अपने परिजनों, दोस्तों और भाई बहनों को अवश्य बताएं। बच्चों, इसी उम्मीद के साथ मैं अगले शनिवार को फिर से एक नए विषय पर बहुत सारी जानकारियां लेकर आपसे फिर मिलूंगी, और आशा करती हूँ कि प्रत्येक शनिवार को आप इस कार्यक्रम को DD बिहार सुबह 9 बजे अवश्य देखेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अगले शनिवार तक का आपका इंतज़ार करूंगी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और हमको घर पे ही रहना है और इस कोरोना महामारी को भगाना है। तो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।